हाय फ्रेंड्स, आई एम मोनिका एंड आई वेलकम यू टू माय एस्ट्रोजीवन चैनल। आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस के बारे में कि ये एट्थ हाउस क्या है। दोस्तों, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये जो तीन भाव है ना, ये दोस्ताना भाव कहलाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो भाव है, इनसे जो एनर्जी निकलती है वो नेगेटिव एनर्जी निकलती है। ऐसी एनर्जीज, ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, और एट्थ हाउस भी इन्हीं सब बातों से जुड़ा हुआ है। ऐसी चीजें जो हमें परेशान करती हैं, कई बार लोगों के दिमाग में जो है एक नेगेटिव थॉट घूमते रहते हैं कि कहीं ऐसा गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो मतलब पहले जो है उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं। कई बार ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो हमारा मन है, डेट इज मून, मून जो है हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। और अगर मून की प्लेसमेंट अगर आपके एट्थ हाउस में हो जाती है, और साथ ही साथ मून अगर डेबिलिटेड पोजीशन में हो जाता है, यानी मून नीच का हो जाता है, मून खराब अवस्था में हो जाता है, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर ये जो सोच है, ये सोच खुद ब खुद डेवलप होने लगती है। नेगेटिव सोच विचार आने लगते हैं, नकारात्मक सोच ज़्यादा हो जाती है ऐसे लोगों की। एट्थ हाउस जो है वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व कराता है जिसमें आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, वो खत्म हो जाता है। लाइक एट्थ हाउस में अगर प्लैनेटरी प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है, अगर वो वर्स्ट कंडीशन में है, तो यकीन मानिए कि आपको जो है वो क्रिमिनल बना सकता है। एट्थ हाउस सीक्रेसी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सारे क्राइम जो सीक्रेटली किए जाते हैं वो एट्थ हाउस से इन्वॉल्व है। जैसे कि सीक्रेटली मर्डर हो जाना, रेप, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चोरी, किसी का पैसा दबा लेना, वो भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। या किसी को मरवाने की सुपारी देना है, यानी किसी को मरवाने की रकम देना चुपचाप, वो भी एट्थ हाउस से देखी जाती है। एट्थ हाउस किसी भी तरह के एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी चीज को लेकर एडिक्ट हो सकते हो, भले ही आप किसी चीज़ का नशा करते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप स्मोक करे बिना नहीं रह सकते, या आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हो जो बिना किसी वजह से आप कोई दवाई ले रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको उसे लेना अच्छा लगता है, या आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हो, डैट इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार तक बना सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस से जो है नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं। एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन में स्पेशली अगर मून की प्लेसमेंट है, तो ऐसे लोग, और साथ ही साथ जो एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है, डिस्पोजिटर, उसका मार्स, वो भी डेबिलिटेड है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपनी बातों को सीक्रेट रखता है, अपनी बातों को शेयर नहीं करता। ये लोग बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ये लोग अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं, और अगर कोई बात हो भी जाती है तो इनके दिमाग में वो बात घूमती रहती है, वो बात चलती रहती है, और उस बात को सोच से इन्हें नहीं पता होता कि ये कब डिप्रेशन का शिकार बन गए। तो एट्थ हाउस जो है इस तरह की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। एट्थ हाउस एक सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है। एट्थ हाउस सुसाइडल टेंडेंसी देता है, क्योंकि देखिए, सुसाइड अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो सीक्रेटली करेगा, और सुसाइड करेगा तो उसके दिमाग में जो है कोई चीज़ है जो उसे परेशान किए जा रही है, तो तब व्यक्ति को सुसाइड की सोच आती है। तो जो ये जो सीक्रेटली जो भी काम है, और जितने भी ऐसे क्राइम जो सीक्रेटली किए जाते हैं, और ऐसे सारे काम जो सीक्रेटली किए जाते हैं, वो एट्थ हाउस से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में मैं अभी आपको एट्थ हाउस के बारे में इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट मैं एट्थ हाउस को लेकर एट्थ हाउस पार्ट टू जो वीडियो बनाऊंगी उसको आप और देखिएगा, क्योंकि एट्थ हाउस सिर्फ इतनी बातों से नहीं जुड़ा हुआ, एट्थ हाउस बहुत सारी बातों से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में मैं आपको एट्थ हाउस पार्ट टू जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आसानी से देखने को मिलती रहे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।